नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंट शेयर ITC के बारे में। दोस्तों काफ़ी अच्छा मतलब इसका पैटर्न बना है, मतलब एक ब्रेकआउट की तैयारी है इस स्टॉक में, जिसके बाद इस स्टॉक में काफ़ी न्यूज आया है, मतलब काफ़ी ज़्यादा इस ये स्टॉक न्यूज में है। तो इस स्टॉक के बारे में हम डिस्कस करेंगे, इसके बिजनेस के बारे में, इसके फंडामेंटल्स के बारे में, कंपनी के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों ये देख सकते हैं, ये ITC का स्टॉक है और यहाँ पर देखिए 216 रुपया पर ये स्टॉक पहुँच चुका है और बार बार जो रेजिस्टेंस ये फेस कर रहा था, यहाँ पर आप देख लीजिए 210 रुपया पे, 210 रुपये पे बार बार रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, जिसको ये क्रॉस कर चुका है। क्रॉस करने के बाद यहाँ पर अगले दिन मोमेंटम भी इसमें 210 के ऊपर देखने मिला और देख सकते हैं ये स्टॉक बार बार 210 यहाँ से आप देख लीजिए पीछे से। थोड़ा सा हम इसे जूम इन कर लेते हैं तो यहाँ पर आप देख लीजिए ये स्टॉक गिरावट आया था जो कोरोना वायरस में, फिर से ये यहाँ पर रिकवरी इसमें आया था तो 195 गया था, फिर से नीचे आया, फिर से ऊपर गया और फिर से गिरावट आया 210 से यहाँ पर देखते हैं 160 रुपीज तक। और 160 रुपये से यहाँ से जो ये स्टॉक रनिंग पकड़ा है तो आप देखते हैं 216 रुपया ये स्टॉक पहुँच चुका है नॉन स्टॉप। यहाँ पर देखते हैं नॉन स्टॉप, यहाँ पर जो ये आपको पैटर्न दिख रहा है, मतलब ये जो ट्रेंड लाइन दिख रहा है, काफ़ी बुलिश है स्टॉक, तो काफ़ी अच्छा मतलब यहाँ पर ब्रेकआउट आपको देखने मिल रहा है और ये स्टॉक काफ़ी नीचे चल रहा था। अगर आप इसका लॉन्ग टर्म का चार्ट देखेंगे तो ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा देखते हैं गिरावट में देखने मिला था, मतलब काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टर इसमें जो है पैनिक में थे, जो भी हाई लेवल पर इन्वेस्ट किया था, क्योंकि ये देख सकते हैं 310 रुपीज़ पे स्टॉक चल रहा था, कभी 320 रुपीज़ और ऑल टाइम हाई जो है इसका देख सकते हैं 370 रुपीज़ तक, 370 रुपीज़ का ये हाई बनाया था जुलाई 2017 में। वहाँ के बाद इस स्टॉक में लगातार गिरावट, लगातार ये 300 के लेवल के आसपास आता था, उसके नीचे आता था, फिर 300 लेवल को क्रॉस करता था और ओवरऑल ये देखते हैं 150 तक के लेवल पर ये आ चुका था। 150 के भी नीचे जब कोरोना पैंडमिक के कारण जब इसमें गिरावट आया था, तो जिन्होंने भी यहाँ पर बाय किया वो अच्छा खासा रिटर्न अभी प्राप्त कर रहे होंगे। अभी काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पर 216 रुपया पर जब ये क्रॉस किया है तो काफ़ी सारे जो पर्सनल ट्रेडर है, स्विंग ट्रेडर है, वो इसमें इंटर करेंगे। तो यहाँ पर अगर मार्केट जो हमारा उस पर भी आपको ध्यान बनाए कर रखना है, मार्केट हमारा ऑल टाइम हाई पर चल रहा है, अगर मार्केट में वहाँ से मान लेते हैं कि 500 पॉइंट्स का भी निफ्टी में करेक्शन आता है तो थोड़ा सा ये स्टॉक यहां पर रुक सकता है। अगर निफ्टी में कोई करेक्शन नहीं आता है, निफ्टी अपने मतलब साइडवेज भी बना रहता है, तो ये स्टॉक यहां से जबरदस्त मोमेंटम देगा और पहला जो इसका टारगेट होगा हमारा वो होगा 300, पहला टारगेट होगा 300। तो आपको बाय कब करना है, सेल कब करना है, तो आपको हमने बताया था ये है हमारा लाल कलर जो देख रहे हैं 50 डे का मूविंग एवरेज और ये है हमारा 200 डे का मूविंग एवरेज। तो 200 डे के मूविंग एवरेज को देख सकते हैं, ये यहाँ पर क्रॉस किया तो आपको ये 50 डे के मूविंग एवरेज के जब नीचे था यहीं पर बाय करना था। हमारे अकॉर्डिंग जब स्टॉक काफ़ी सस्ता हो तो हमें यहाँ 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे बाय करना है और जैसे ये अपने ऑल टाइम हाई पे मतलब क्या है 200 डे मूविंग एवरेज 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर जाता है तो हमें ट्रेंड लाइन को फॉलो करना है। ट्रेंड लाइन को फॉलो करना मतलब स्टॉप लॉस को आपको ऊपर लेके चलना है। तो स्टॉप लॉस को ऊपर लेके चलना है तो उसके लिए हमने आपको बताया है कि आपको जीरोधा में अकाउंट ओपन करना है। जीरोधा में आप GTT ऑर्डर लगा सकते हैं। GTT ऑर्डर कैसे लगाना है ये हमारे चैनल पर वीडियो है, अगर आपने नहीं देखा है तो देख सकते हैं या आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो फिर से हम वीडियो बना देंगे GTT ऑर्डर कैसे लगाना है। तो GTT ऑर्डर के द्वारा आप इसमें मतलब जो पर्सनल ट्रेडिंग है, जो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, उसमें भी स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा ये बाइंग जोन था, यहाँ पर आपने बाय किया और उसको बस होल्ड करना है। होल्ड किए आप देख सकते हैं आपका समय आ चुका है। अब इसमें हमने पहले भी चर्चा किया था इस स्टॉक के बारे में, अब यहाँ से इसमें एक ज़बरदस्त मूवमेंट अब देखने मिलेगा और पहला जो टारगेट होगा हमारा 300 का। लेकिन ये याद रखना है आपको कि मार्केट में हमारा जो है गिरावट नहीं होनी चाहिए, करेक्शन नहीं होनी चाहिए, तभी ये स्टॉक हमारा 300 लेवल को क्रॉस करेगा, क्योंकि जो मूवमेंट पकड़ा है बस मार्केट इसका साथ दे दे। मार्केट अगर साथ देता है, मार्केट साइडवेज भी बना रहता है, अगर अप ट्रेंड में मार्केट रहता है तो निश्चित है ये 300 लेवल को टच कर सकता है, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। कितना टाइम लगेगा तो टाइम आपको जो है देखना है यहाँ पर, ये कितने टाइम में 300 लेवल के नीचे आया था। 300 लेवल से यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ से देख लीजिए ये 300 लेवल का प्राइस था, यहाँ से 300 लेवल के प्राइस ये कब था, जुलाई में। तो जुलाई से मतलब यहाँ आपको आने में, जुलाई 2019 से यहाँ तक आने में जो गिरावट आया था, तो यहाँ तक आने में आपको कितना का समय लगा, तो मार्च 2020
तो मार्च 2020 में गिरावट आया था, तो यहाँ से फिर से अगर अप ट्रेंड कंटिन्यू रहता है तो अगले 7 से 8 महीने में ये 300 के लेवल को क्रॉस कर सकता है। तो दोस्तों इस तरह से आप इस स्टॉक में अगर आप 7 से 8 महीने बने रहते हैं और अगर स्टॉक अप ट्रेंड में रहता है तो 300 तक के लेवल को यह क्रॉस कर सकता है। तो इसके लिए बस आपको स्टॉप लॉस लगाना है, स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाना है। अगर मतलब ब्रेकआउट फेल होता है, मतलब जो फेक ब्रेकआउट होता है, अगर ब्रेकआउट ये फेक है, मतलब क्योंकि ये बार बार 200 के लेवल के ऊपर जाता है और बार बार नीचे आता है, तो फेक ब्रेकआउट होगा तो आप अपने स्टॉप लॉस पे एग्जिट हो जाएंगे। अगर ब्रेकआउट एकदम जनमीन है, ब्रेकआउट सही है, तो 300 तक के लेवल को अगले 7 से 8 महीने में जा सकता है। तो चलिए अब हम जानते हैं इसके कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में और कंपनी के बिजनेस के बारे में। ये तो आपने टेक्निकल चार्ट पे देख लिया, टेक्निकल चार्ट पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई 370 तक जा सकता है। अगर 370 को क्रॉस करता है, मान लेते हैं अगले एक साल में भी, तो ये स्टॉक एक बड़ा मोमेंटम आपको दिखा सकता है, मतलब तब आपको 500-1000 का लेवल भी अगले 4 से 5 साल में देखने मिल सकता है। तो ये स्टॉक में पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बिजनेस काफ़ी अच्छा है। तो चलिए बिजनेस और फंडामेंटल्स के बारे में जानते हैं इस कंपनी के। दोस्तों सबसे पहले हम ITC के बिजनेस के बारे में चलते हैं। तो ये ITC का बिजनेस है, देख सकते हैं ITCPortal.com। इसमें थोड़ा सा हम नीचे आते हैं, तो नीचे जैसे आएंगे तो कंपनी के बारे में बहुत कुछ आपको जानने मिलेगा। तो सबसे पहले जो ITC क्या करती है, एक सबसे पुरानी सीक्रेट कंपनी है, सीक्रेट बनाने वाली कंपनी है। उसके अलावा ITC के कौन कौन से बिजनेस है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं FMCG का बिजनेस है, होटल का बिजनेस है, पेपर बोर्ड एंड स्पेशलिटी पेपर्स का बिजनेस है, पैकेजिंग का बिजनेस है, एग्री बिजनेस है, उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी ITC आ चुका है। तो दोस्तों इतने सारे बिजनेस है, पहला सीक्रेट बिजनेस जो इसका सबसे पुराना बिजनेस है कंपनी का, और सीक्रेट कंपनी के नाम से ही ये कंपनी अभी तक जानी जाती है। लेकिन दोस्तों कंपनी का बिजनेस काफ़ी डाइवर्सिफाइड है, देखते हैं FMCG में, होटल में है, पेपर बोर्ड स्पेशलिटी पेपर में है, पैकेजिंग में है, एग्री बिजनेस में है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में है। इतने सारे बिजनेस है ITC के में, और इसमें कुछ फेमस ब्रांड भी है। आप ब्रांड के बारे में यहाँ पर जान सकते हैं, जैसे यहाँ पर आप ऊपर में आपने जो मेन्यू बार देखा था उसमें आप बिजनेस पर क्लिक करेंगे तो आप कंपनी के बहुत सारे यहाँ पर बिजनेस पर क्लिक करेंगे, देखते हैं फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स पैकेजिंग और ग्रुप ऑफ कंपनी, ये सारे हैं। ब्रांड्स के बारे में यहाँ जान सकते हैं, फूड में कौन सा ब्रांड है, पर्सनल केयर में कौन सा है, माचिस और अगरबत्ती में कौन सा ब्रांड है, उस पर जब क्लिक करेंगे आपको इस तरह का पेज खुलेगा। इस पर जाकर के आप देखते हैं आशीर्वाद जो आटा है, आशीर्वाद आटा के बारे में आपने पढ़ा होगा, आटा है, साल्ट है, ग्रीन फ्री फ्लोर है, तो ये सारी चीज़ें मतलब आशीर्वाद के नाम से चलता है ITC का जो कि ब्रांड है। उसके बाद यहाँ पर बिस्कुट कुकीज केक में देखिए सनफिस्ट है, इसी तरह बिंगो है, आप चलते जाएंगे नीचे देखते जाएंगे, किचन ऑफ इंडिया नीचे आप चलते जाइए तो देख लीजिए, बी नेचुरल, तो बहुत सारे ब्रांड है इसके, मिंटो ओ चलते जाइए, इसके बाद देखिए कैंडी मैन चॉकलेट है, उसके बाद यहाँ पर गमोन, तो बहुत सारे मतलब जैसे जैसे आप चलते जाएंगे यहाँ पर देख लीजिए, यह बहुत सारे मतलब आपको लग्जरी चॉकलेट में भी ब्रांड है इसके, उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए सनबीन, इस तरह से आप चलते जाइए, तो ये कॉफ़ी हो गया, B10 कॉफ़ी हो गया, तो काफ़ी सारे जो ब्रांड है चाय कॉफ़ी ये सब काफ़ी अच्छे बिजनेस हैं। उसके बाद मिल्क में ये सारे ब्रांड है, उसके बाद ITC मास्टर चीफ, यहाँ पर ITC मास्टर चीफ देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप नीचे चलते जाइए फार्मलैंड, उसके बाद यहाँ पर नीचे चलिएगा बहुत सारे मतलब कॉस्मेटिक में आपको ब्रांड देखने मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे फीमा ब्रांड यहाँ पर देख सकते हैं, फीमा काफ़ी फेमस ब्रांड है ITC का। जैसे जैसे आप पेज को स्क्रॉल करते जाएंगे आपको बहुत सारे ब्रांड आएंगे जिसके बारे में आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, बहुत सारे ITC के फेमस ब्रांड हैं जो कि प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा मार्केट में पॉपुलर है। तो आप यहाँ पर कंपनी की वेबसाइट पर भी पढ़ सकते हैं कि फूड में कौन सा ब्रांड है, साथ ही साथ आप इस पर क्लिक करके आप डिटेल में भी पढ़ सकते हैं। अगरबत्ती और माचिस में भी कई सारे ब्रांड है, इसके दो दो ब्रांड हैं यहाँ पर देख सकते हैं, एम मनदीप अगरबत्ती वहीं पर देख सकते हैं, लाइफ स्टाइल में WLS, तो बहुत सारे कंपनी के प्रोडक्ट है, बहुत सारे ब्रांड है, तो काफ़ी बिजनेस डाइवर्सिफाइड है। तो ये कंपनी जब आपको मतलब परफॉर्म करेगी, मतलब जब कंपनी का शेयर मूवमेंट करेगा तो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी आपको देखने मिलेगा।
होगा। साथ ही साथ कंपनी के फंडामेंटल्स को भी जान लेते हैं। चलिए कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में हम मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर देखते हैं। कंपनी के फंडामेंटल्स भी काफी बेहतरीन है। तो कंपनी के फंडामेंटल में सबसे पहले हम चलते हैं कंपनी के वैल्यूएशन पर। 2,66,000 करोड़ देख सकते हैं यहाँ पर कंपनी का मार्केट कैप है, जो कि काफी मतलब एक लार्ज कैप कंपनी है। और यहाँ पर देख लीजिए 216 रुपीज अभी कंपनी का करेंट प्राइस है शेयर का। तो आईटीसी का करेंट प्राइस 216 रुपीज है, पी 19 का है, जबकि इंडस्ट्री का 17 है। तो अभी भी इसका पी देख सकते हैं इंडस्ट्री के पी से हाई है। डिविडेंड देख लीजिए, डिविडेंड यील्ड काफ़ी शानदार है, लगभग 4.69% का, जो कि काफ़ी हाई है। कंपनी का डिविडेंड परसेंटेज देखिएगा 1015% का डिविडेंड है, जो कि काफ़ी शानदार है। अर्निंग पर शेयर 11 रुपीज़ के आसपास है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि काफ़ी अच्छी है कंपनी के बारे में। कॉर्पोरेट टैक्सन पे चलते हैं। कॉर्पोरेट टैक्सन पे देखिएगा, डिविडेंड हर साल कंपनी पे करती है, बोनस कंपनी रेगुलर पे करती है 16 में, 10 में, 5 में, 94 में, 91 में, इस तरह से आप यहाँ पर व्यू मोड पर क्लिक करके देख सकते हैं कंपनी के पूरे हिस्ट्री में कब कब बोनस पे किया है। स्टॉक स्प्लिट की बात करें, कंपनी का स्टॉक स्प्लिट फेस वैल्यू 10-1 हो चुका है 2005 में भी। तो अब स्टॉक स्प्लिट आपको बेनिफिट होने वाला नहीं है, कंपनी का ऑलरेडी जो है स्टॉक स्प्लिट हो चुका है, जिसका लोवेस्ट फेस वैल्यू जो है 1 जो होना था वो हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर प्रमोटर्स का स्टेक आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन प्रमोटर्स का स्टेक अच्छा खासा है कंपनी में, मतलब कंपनी में प्रमोटर्स का जो स्टेक है वो भी है, लेकिन यहाँ पर नहीं दिखाया गया है। उसके बाद यहाँ पर आप देखते हैं DIs का, म्यूचुअल फंड का, इंश्योरेंस कंपनी का, टोटल DIs, FIs सारे के सारे स्टेक हैं, तो काफ़ी अच्छा है। जबकि अदर्स, यहाँ पब्लिक का शेयर होल्डिंग देखिए मात्र 10% है, मात्र 10% पब्लिक का शेयर होल्डिंग पैटर्न है। और यहाँ पर आपको जो DIs है इसी में आप देखिए इंश्योरेंस कंपनी का 8%, इंश्योरेंस कंपनी इतना, म्यूचुअल फंड इतना, अदर DIs 35, इसी में अदर जो DIs है इसी में आपको देखने मिलेगा प्रमोटर्स का स्टेक, मतलब कंपनी का जो ट्रस्ट है, कंपनी के ट्रस्ट जो है इसमें जो मतलब शेयर होल्ड करता है उसी को अदर्स में यहाँ पर दिखाया गया है। तो इसमें जाकर के आप प्रमोटर्स का स्टेक डिटेल में जाकर के देख सकते हैं। फिर यहाँ पर फाइनेंशियल पर क्लिक करते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल काफ़ी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है जो जिससे हम कंपनी के बारे में जानते हैं, कंपनी का सेल्स और रेवेन्यू क्या हो रहा है। तो यहाँ पर देख लीजिए सेल्स कंपनी का लगातार इंक्रीज हुआ है, 12,000 करोड़ से 13,000 करोड़ हो चुका है। प्रॉफिट कंपनी का लगातार इंक्रीज हुआ है, इधर थोड़ा सा 2 क्वार्टर से थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है, लेकिन एनुअल बेसिस पर देखेंगे तो कंपनी का ओवरऑल प्रॉफिट लगातार जंप हुआ है। देख सकते हैं 9,000 करोड़ था 2016 में, तो 15,000 करोड़ पहुंच चुका है। सेल्स 39,000 करोड़ था, तो 49,000 करोड़ हो चुका है। तो सेल्स भी इंक्रीज हुआ है, प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ है। तो सारे पैरामीटर्स जो कंपनी के काफ़ी फेवर में है, मतलब फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। और यहाँ पर देखिएगा तो कंपनी बिल्कुल डेट फ्री है। यहाँ पर जैसे चलते हैं बैलेंस शीट पर, कंपनी के बैलेंस में इक्विटी शेयर कैपिटल देख सकते हैं कि 1,229 करोड़ का इक्विटी शेयर कैपिटल है कंपनी के पास। रिजर्व सरप्लस 62,000 करोड़ का रिजर्व और सरप्लस है, जो कि लगातार इंक्रीज हुआ है। कंपनी के पास रिजर्व सरप्लस भी काफी अच्छा है। और यहाँ पर माइनॉरिटी इंटरेस्ट देखिएगा, 377 करोड़ का माइनॉरिटी इंटरेस्ट कंपनी पे करती है, जो कि काफी कम है। लॉन्ग टर्म डेट की बात करें तो मात्र 5.90 करोड़ है, जो कि काफी कम है। तो लॉन्ग टर्म डेट को ही हम कंपनी के डेट के रूप में कंसिडर करते हैं, तो जो लॉन्ग टर्म बोर्डिंग है एक तरह से कहें तो कंपनी वर्चुअली डेट फ्री है, क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी के ऊपर मात्र 6 करोड़ का डेट, जो कि मामूली कंपनी कभी भी पे करती है, क्योंकि कंपनी के पास रिजर्व और सरप्लस ही काफी ज्यादा है। उसके बाद यहाँ पर आप देखिएगा जो कंपनी के पास कैश और कैश इक्विवेलेंट है वो भी काफ़ी अधिक है। यहाँ पर देख लीजिए 7,000 करोड़ का कैश और कैश इक्विवेलेंट है। तो कंपनी 6 करोड़ का जो डेट है वो तो कभी भी पे कर सकती है। तो 6 करोड़ का डेट काफ़ी मामूली डेट है कंपनी के पास, तो कंपनी वर्चुअली डेट फ्री है। तो आपने देखा टेक्निकल एनालिसिस का लेवल्स और टारगेट होना चाहिए कंपनी के, बिजनेस को आपने देखा काफ़ी बेहतरीन बिजनेस है, कई सारे फेमस ब्रांड है ITC के पास, साथ ही साथ कंपनी फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो उम्मीद करते ये वीडियो आपको काफी हेल्पफुल लगा होगा कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ये स्टॉक जो है बिल्कुल बाय और फॉरगेट वाला है, कि मतलब बाय कीजिए एकदम लोअर लेवल पे और भूल जाइए। जैसे आपको 160-150 के लेवल पाया था, वहां पर आप बाय करके इस स्टॉक को भूल सकते थे। तो वहां पर बाय करना था और भूल जाना था, मतलब 4 साल के लिए, 5 साल के लिए, और 4-5 साल में कंपनी काफी अच्छा आपको रिटर्न देता, साथ साथ आपको अच्छा खासा डिविडेंड के रूप में भी रिटर्न देता, क्योंकि डिविडेंड भी कंपनी काफी शानदार है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल लगा होगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चाहे आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।